गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है स्वालबर्ड। स्वालबर्ड अर्बन ईस्टर्न नॉर्वेन प्रीवियसली नोन एज स्पिट्सबर्जन इज अ नॉर्वेन आर्किपेलागो इन द आर्टिक ओशन। ठीक है फ्रेंड, एक आर्टिक ओशन में है स्वालबर्ड करके, स्मॉल आइलैंड कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ मेनलैंड इन यूरोप, नॉर्थ है, नॉर्थ में मेनलैंड के पास यूरोप में है स्वालबर्ड। ठीक है, इसकी क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो नॉर्वे इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है फ्रेंड। पॉपुलेशन बहुत कम है, 3000 से भी कम है पॉपुलेशन स्वालबर्ड की। कैपिटल पे आते हैं तो लॉन्गयियरजन इसकी कैपिटल है और सिटी भी लॉन्गयियरजन ही है इसकी सिटी भी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आते सर्वन स्टेट पे आते हैं तो नॉर्वे, इसका सर्वन स्टेट नॉर्वे है और इसके अंदर करेंसी जो चलती है वो भी नॉर्वेन करेंसी ही चलती है। ठीक है, अभी आते हैं हम इसके इथनिक ग्रुप पे, तो 61% नॉर्वेन, 38% अदर, इसलिए उसमें मिक्स सब आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अदर्स में ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो नॉर्वेन लैंग्वेज वहाँ पे चलती है ऑफिशियल और सेकेंड है इंग्लिश। करेंसी नॉर्वेन क्रोन, NR में होते हैं 7.91 INR, इसलिए वहाँ का एक क्रोन इंडियन करेंसी में होते हैं 7.91 रुपीज़। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है रेड, कॉलिंग कोड है +47। वीज़ा पे आते तो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है इंडियंस को कि वहाँ पे स्वालबर्ड जाने के लिए वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, और वर्क परमिट पे आते तो वर्क परमिट भी नॉट रिक्वायर्ड, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है और जॉब ढूंढना है, सेट होना है, वर्क परमिट भी नहीं चाहिए, वीज़ा भी नहीं चाहिए। अगर आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये स्वालबर्ड बहुत ही ठंडी जगह है, सेम लाइक कनाडा, अलास्का, बहुत आइस वहाँ पे बहुत है, बहुत ठंडा वेदर है, माइनस में होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और इसके ऊपर इसके एक टेरिटरी कह सकते हैं नॉर्वे की, नॉर्वे के अंडर में ही आता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट दिया है हम इंडियंस को, वहाँ पे वीज़ा वर्क परमिट कुछ नहीं लगता है, सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसा कोई वरी की बात नहीं है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके वेजेस पे, तो मिनिमम आपको 1000 USD मिली जाएगा इंडियन करेंसी में, तो लगभग 82000 इंडियन करेंसी में वहाँ पे मिल जाएगा सैलरी। एवरेज है 2500 USD और हाई है 5000 USD। अगर हमें 1500 2000 USD भी मिल जाता है तो गुड इनफ हो जाता है, काफ़ी है। ठीक है, और वहाँ पे जॉब सेक्टर में ये हो जाता है, रिटेल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें वैसे भी वीज़ा और वर्क परमिट तो लगता नहीं है, जब तक चाहिए जब जॉब कर सकते हो, वहीं पे रहने तो रह भी सकते हो, आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो वहाँ पे रह के, वर्क परमिट एंड वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, जो भी मैं कहूँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग वो नॉर्वे क्रोन में कहूँगा। ठीक है, तो मिल्क है 1 लीटर 23 क्रोन, राइस है 1 kg 33 क्रोन, एग है 12 पीस 50 क्रोन, एप्पल है 1 kg 31 क्रोन, टमाटो है 1 kg 33 क्रोन, ऑनियन है 1 kg 30 क्रोन, पोटैटो है 1 kg 28 क्रोन, वाटर है 1.5 लीटर का 11 क्रोन। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे, 1 bedroom इन अ सिटी 44K। ठीक है, और आउटसाइड सिटी 30K, 3 bedroom इन अ सिटी 50K, आउटसाइड सिटी 40K, ये भी मैंने 40K इसलिए 40,000, ठीक है क्रोन, तो ये भी मैंने नॉर्वे क्रोन में ही कहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रूट पे, तो कतर एयरवेज की फ़्लाइट है मुंबई टू दोहा, दोहा टू नॉर्वे, नॉर्वे टू स्वालबर्ड। ठीक है, ये रूट बनता है, आपको नॉर्वे का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है, और स्वालबर्ड का तो हमें वैसे भी वीज़ा नहीं लग रहा है, वर्क परमिट नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, और फ्यूचर में आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड 1,20,000 रिटर्न टिकट की मैंने आपको बताया, तो 1,20,000 की रिटर्न टिकट है, आपको सिर्फ नॉर्वे का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है यहाँ पे, नॉर्वे होके आपको जाना है। ठीक है, स्वालबर्ड के लिए, स्वालबर्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, 3000, लेस देन 3000 है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हमें नॉर्वे के आसपास रहना है, कोई डिफरेंट कंट्री में रहना है, वेदर भी बहुत अच्छा है, एकदम कोल्ड है, सेम लाइक कनाडा के जैसा, सैलरी भी ठीक ठाक है, 2000 USD 1500-1800 USD तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन है, आपको सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है नॉर्वे का, और डेस्टिनेशन कंट्री का तो वीज़ा और कुछ लग रहा नहीं हमें, वर्क परमिट वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, अब सेटल डाउन होने के इससे जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो रूट तो मैंने आपको बता दिया है, नॉर्वे होके फ्लाइट जाती है, कतार एयरवेज एयरवेज के फ्लाइट रिटर्न टिकट का है 1,20,000। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में ऑब्वियसली पासपोर्ट, 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए, चार से पाँच ब्लैंक पेज होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट हो गया, नॉर्वे का ट्रांजिट वीज़ा आप अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती वहाँ पर स्वलबर्ड के लिए। फिर हो गया आपका PCC, मेडिकल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसके लिए PCC रिक्वायर्ड है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री की, क्योंकि आप अगर जाते हो आप तो शायद वापस आओगे नहीं, वहीं पे रुकोगे लॉन्ग टर्म के लिए, शायद सिटीजनशिप भी ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ से बहुत अच्छी कंट्री है, स्मॉल पॉपुलेशन है, पैकेज भी अच्छा खासा ही मिल जाएगा, और ऑब्वियसली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होगी क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है। अगर स्टोर भी खुलता है और 3,000 पॉपुलेशन है, तो एक स्टोर में कितने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, और वहाँ पे शॉर्टेज है। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगा, कंट्री भी अच्छी है, लेकिन याद रखे क्या, क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, वेदर वहाँ का पूरा ठंडा ही रहता है हमेशा, 12 महीना ठंडा ही रहता है, और बहुत ही ठंडा रहता है, नॉट 16-17 डिग्री होगा, उससे कम होगा, 4-5 डिग्री के आसपास ही होगा, शायद माइनस में भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रख के जाइए वहाँ पर, आपको सिर्फ नॉर्वे का ट्रांजिट वीज़ा लगाना है, और रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, PCC, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट मैंडेटरी है, 6 मंथ्स वैलिडिटी चाहिए, 4 से 5 ब्लैंक पेज चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, फंड्स लेके जाइए, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, कोविड की सर्टिफिकेट लेके जाइए, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए, आपकी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब लेके जाइए। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, ये सब कुछ मैंडेटरी है। दैट्स इट फ्रेंड, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे मेरे न्यू वीडियोज़ आते हैं, तो प्लीज़ देखते रहे फ्रेंड्स। अभी क्लिक नहीं मिलते, मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देखो ब्लॉग है। गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।